हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुल 302 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर ही सिमटना पड़ा है इस बार। पिछली बार 44 सीटें थी, जबकि अन्य दलों को कुल मिलाकर मिली हैं 187 सीटें। और भारत के अलग अलग राज्यों में किस पार्टी का दबदबा रहा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 55 सीटों के साथ कांग्रेस और 300 से ज़्यादा सीटों के साथ बीजेपी। नीला रंग कांग्रेस का है और अन्य दलों को दिखा ग्रे से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये सफ़र शुरू हुआ 1984 से और 2014 तक, कैसे भारतीय राजनीति के नक्शे पर बीजेपी लगातार बढ़ती गई। पीले रंग के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर अब भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ा हुआ नजर आता है। साल 1984 में 2 सीटों से लेकर 2014 में 282 सीटों तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी। इस ग्राफिक्स मैप में नीला रंग कांग्रेस का और पीला रंग भाजपा का है। तो देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी का पीला रंग धीरे धीरे पूरे देश पर छाता चला गया है। वैसे नरेंद्र मोदी की विशाल जीत पर कई देशों ने बधाइयां दी हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने तो हिंदी में ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ब्रिटेन और दुबई में रहने वाले भारतीयों का इस चुनावी परिणाम पर क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस सरकार या और बीजेपी ने इस पूरे चुनाव के पिछले 4-5 महीने में रोजगार का बात ही नहीं किया है, विकास का बात ही नहीं किया है। पूरी तरह से जो ध्यान है पब्लिक की, जनता की, वो नेशनलिज्म और ये सब नफरत की ओर फैलाया जा रहा है। मतदाताओं ने इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी या फिर GST लागू होने के बाद जो बिजनेस ग्रुप्स और इन पे जो एक असर हुआ था उस चीज़ का, उसके बावजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को इस भारी बहुमत से वापस पार पे बिठाना एक संकेत है कि लोग चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचें और उसके बाद वो निर्णय लें। थोड़ी सी निराशा हो रही है क्योंकि जो विचारधारा से माननीय मोदी जी हैं उसके मैं खिलाफ़ हूँ, और थोड़ा मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या कहते हैं जो विषय हैं, जैसे बेरोज़गारी, युवाओं में किसानों की समस्या, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा ध्यान राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पे दिया है। रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है और हम तो चाहते थे भी बीजेपी आवे, और जैसे मोदी ने वर्ल्ड में अपना नाम किया है, आज उसकी रैंकिंग इतनी बढ़ गई है, हम लोग कहाँ पर भी जाते हैं तो यू आर फ्रॉम विच कंट्री, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान से, भारत से है, तो हमको रिस्पेक्ट अच्छा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी इंडिया इस 5 साल में जो प्रोग्रेस करेगी उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते हैं कि मैं इतना खुश हूँ पूछे मत आप। वैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस चुनाव को लेकर खासी उत्सुकता देखी गई। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान मिलकर दक्षिण एशिया में शांति के लिए काम करेंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इंडिया जो है वो एकदम से पाकिस्तान के साथ उनके हालात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अब देखें कि जैसे सुषमा स्वराज और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात हुई है तो हम भी चाह रहे हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। हमारा जो मेन मकसद है, मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ कश्मीर। बोथ कंट्रीज़ क्लेम कि जी कश्मीर हमारा है, मगर नन ऑफ देम क्लेम्स टू बी कि जी कश्मीरीज़ हमारे हैं। जी मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते हैं, उनकी सेटिंग कभी सही नहीं हो सकती है, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इस वजह से उसकी जीत पे तो पाकिस्तानियों को अफसोस ही हुआ है।